कोरोना अपडेट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सोनालीगिरी डिप्टी कमिश्नर रूपनगर आपके साथ शेयर करना चाहती हाँ कि जी जो भी अपनी लाइव अपडेट्स हैंगी जी हूँ आज कोरोना पेशेंट्स नू लेके है माइक्रो कंटेनमेंट जोनस नू लेके है तो बाकी होर जी गवर्नमेंट गाइडलाइनस हैंगे। जेकर गल करिए कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल जिहड़े लिते गए हैंगे हुण तक जिले दे विच 29,295 ने ते इस दे विचों नैगेटिव जिहड़े सैंपल आए ने वो 28,015 हैंगे ते पेंडिंग जिहड़े सैंपल ने वो 802 ने। पॉजिटिव एक्टिव केसेस जिहड़े ने वो आश दे केसेस मिला के 190 हैंगे जिले दे विच जिन्हां दे विचों जिहड़े पॉजिटिव केसेस आ चाए ने वो 34 हैंगे। डिस्चार्ज जिहड़े हुए ने लेवल 1 फैसिलिटी ज्ञान सागर तो वो 3 हैंगे आज तक। रिकवर्ड जिन्हें पेशेंट हुण तक हो चुके ने जिहड़े पहले पॉजिटिव आए सीगे ते वापस फुली रिकवर हो चुके ने वो 383 हैंगे। ते डेथ्स टोटल हुण तक पिछले 6 महीनों के दौरान कोविड के कारण या उससे रिलेटेड जेकर कोई डेथ हुई हैगी वो 10 हैंगी जिले के। इसके साथ मैं थानू ये भी दसना चाहती हाँ कि जिहड़ी ब्रेकअप हैगी वो ज़्यादा केसेस हुण एसिम्टोमैटिक केसेस आ रहे ने तो इस करके ये बहुत जरूरी हैगा कि तुसीं हुण इसनू बहुत ज़्यादा संजीदगी नाल लो कि जेकर थानू कोई बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स भी आते हैं तो तुसीं अपना तुरंत टेस्ट कराओ। ये टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता हैगा इसका कोई भी चार्ज थोड़े तो नहीं लिता जाता है। होम आइसोलेशन दे विच 105 केसेस हैंगे हुण तक। ज्ञान सागर लेवल 1 फैसिलिटी दे विच 3 ने। साडा जिहड़ा कोविड केयर सेंटर आनंदपुर साहब हैगा उस दे विच 28 केस जिहड़े पेशेंट्स ने हुण अभी अपना ट्रीटमेंट ले रहे ने ये लेवल 1 फैसिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोपड़ जिहड़ा लेवल 2 फैसिलिटी है वो 18 केसेस ने। मैं तुहानू दसना चाहती हाँ कि ये लेवल 1 और लेवल 2 दे विच ये फर्क हैगा कि लेवल 1 दे विच असीं माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस रखते हैं लेवल 2 दे विच ऑक्सीजन सपोर्ट जिन केसेस दे विच पड़ सकती है या फिर कोई होर इस तरह की मेडिकल इंटरवेंशन की लोड़ पड़ सकती है इस करके ज़्यादातर हेल्थ फैसिलिटी दे विच लेवल 2 दे पेशेंट्स रखे जाते हैं। PGI लेवल 3 फैसिलिटी है 2 पेशेंट्स ने। कमांड हॉस्पिटल दे विच 3 एडमिट ने। IV मोहाली दे विच 2 पेशेंट्स ने। GNCH 32 चंडीगढ़ दे विच 1 पेशेंट भर्ती हैंगे अभी। राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला दे विच जो एक लेवल 3 फैसिलिटी है 2 केसेस ने। संघ हॉस्पिटल रोपड़ दे विच 1 केस एडमिट 2 केसेस एडमिट ने। परमार हॉस्पिटल लेवल 1 फैसिलिटी जिहड़ा हैगा वो उस दे विच 1 पेशेंट एडमिट है। तो अनट्रेसेबल हुण हाल दी घड़ी दे विच 3 केसेस ने जिहड़े अनट्रेसेबल चल रहे ने। टोटल 170 केसेस दा वेरवा सीगा 20 केसेस जिहड़े अज नवे केसेस आए ने उन्हां दा अभी हुण प्रोसैस चल रहा है। बाय टुनाइट हम इसका पूरा अपडेशन तुहाडे नाल शेयर कर लांगे थ्रू DPRO ऑफिस। टोटल इसनू करिए तो लेवल 1 फैसिलिटी दे विच 33 केसेस ने। लेवल 2 दे विच 27 हुण चल रहे ने ते लेवल 3 दे विच 3 केसेस हैं जिहड़े एडमिट हुए ने ते जिहड़े क्रिटिकल पेशेंट्स ने। इन्हां दे विचों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ आज शेयर करना चाहती हाँ कि जो पहले रोपड़ ज़िले दे विच साडे ध्यान दे विच नहीं आया कभी सामने इन्ने ज़्यादा लंबे दौरान दे विच इन्ने सारे केसेस पॉजिटिव नहीं पाए गए सीगे लेकिन हुण जिवें सारे केसेस धीरे धीरे आ रहे ने सारी सिटीज़ दे विच आ रहे ने लेकिन रोपड़ ज़िले दे विच जिहड़ा ग्राफ हैगा वो काफ़ी ज़्यादा पीक हुआ हैगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जिहड़े हैंगे वो ज़िले दे विच हुण 7 हो गए ने। जिहड़ा रोपड़ दा मैं जेकर गल करूँ रोपड़ सिटी दे विच एक पक्का बाग जिहड़ा माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वो पीछे कुछ 2 नवे केसेस आने के कारण जिहड़ा 10 दिन की मियाद होंगी है माइक्रो कंटेनमेंट जोन की उसनों 1 हफ्ता बढ़ाया गया है। ज्ञानी जल सिंह नगर जिहड़ा है ये दूसरा कंटेनमेंट जोन है जिहड़ा रोपड़ सिटी के है तो आज जिहड़े नवे केसेस आए ने 6 केसेस आए ने जगजीत नगर तो इस करके उत्थे भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिकलेयर किया गया है। इस तो इलावा विलेज सनाना जिहड़ा पिंड हैगा उत्थे पहले तो ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिकलेयर किया जा चुका हैगा।
मोरिंडा वाल्मीकि मोहल्ला वार्ड नंबर 8 दे विच एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। रंजीतपुरा मोरिंडा दे विच आज एक नवा माइक्रो कंटेनमेंट जोन आया क्योंकि उत्थे भी 6 केसेस पाए गए हैंगे नवे जिहड़े पॉजिटिव पाए गए ने। नंगल दे विच जवाहर मार्केट एरिया नूं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इस तो इलावा भरतगढ़ दे विच 15 केसेस तो वध आने दे कारण उत्थे 3 किलोमीटर दे घेरे दे विच एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जो जिसका दायरा भी ज़्यादा होंगे जिस दे विच रिस्ट्रिक्शन भी ज़्यादा होंगी हैंगी। आप सारिया तो अपील ये है कि हुण ये सारे जिहड़े माइक्रो कंटेनमेंट जोन असी सुन रहे हैं असी देख रहे हैं रोज़ाना लगातार बढ़ रहे हैं केसिस एक किसी ना किसी तरीके तो जेडे अर्ली डिटेक्शन होंगे केसिस दे विच ना होने कारण उन्होंने आइसोलेट ना करन तो ते उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ना करन तो ही हो रहे हैंगे। इस दे विच मेरी अपील आप सारिया नूं हैगी कि स्पेशली इस इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन दे विच जेकर ये लोग सारे लोग जेडे मैं सुन रहे हैं वो छेती तो छेती अपना सैंपल देन अपना टेस्ट कराउन ताकि असी लग सके कि जेकर कोई भी एसिम्टोमैटिक कैरियर इदा दा हैगा उन्होंने तुरंत आइसोलेट करके उन्होंने फैमिली मैंबरस नूं उन्होंने गवांडियां नूं इस तरीके की महामारी इस तरीके की बीमारी तो होर बचाया जा सके। देखने दे विच आया हैगा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोनस दे विच स्पेशली रोपड़ सिटी की जेकर गल करें तो ज्ञानी जैल सिंह नगर दे विच थोड़ा रिजेंटमेंट रहा लोगों का सैंपलिंग देने दे विच। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ जेकर ये सैंपलिंग तुसी नहीं देंदे हो तो ये आपका ही नुकसान का कारण बन सकता है का इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुसी साड़ी टीम नू उत्थे जिहड़ी मौके पर मौजूद होंगी है कि उसनू सैंपलिंग जरूर दो। असी चाहते हैं कि छेती तो छेती सैंपलिंग पूरे एरिया की करा के कम से कम असी फिक्स कर सके कि जेड़े डिटेक्शन हैगा अर्ली डिटेक्शन किसी भी एसिम्टोमैटिक केस नू या फिर कोई सिम्टोमैटिक केस हैगा जिहड़ा रिस्की कैटेगरी दे विच फॉल कर सकता है उन्हां दी अर्ली डिटेक्शन तो उन्हां दी ट्रीटमेंट दे लई असी उन्हां नू बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके सहयोग कारण ही हो सकती हैंगी। आप तो अपील मैं बार बार भी कर दी हाँ मास्क दी वरतों दी सोशल डिस्टेंसिंग दी लेकिन कहीं ना कहीं रोपड़ ज़िले दे विच ये चीज़ें हुण थोड़ी सिमटती जा रही हैंगी काफ़ी घट लोग हुण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस करके मेरी आप सारे तो अपील है कि जेकर असी इन सारे जिहड़े पिछे इवेंट्स हैं जो मैं आप माइक्रो कंटेनमेंट जोन का वेरवा दिता हैगा इन्हों तो सीख लेके ये चीज़ समझिए कि ये पीक जिहड़ा हैगा हुण हो रहा हैगा कोरोना वायरस के केसिस दे विच इस करके ये हुण होर लाजमी हो चुका हैगा कि असी सरकार दी हिदायतां दी सरकार दी जिहड़ी डायरेक्शन से गाइडलाइनस है उसका पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क दी वरतों लाजमी किया जाए। इस करके आप सारे आज जिहड़े मैनू सुन रहे ने मैं बार बार और पुरजोर ये अपील आपसे करना चाहती हूँ कि इन सारे केसिस दे मद्देनज़र ये बहुत जरूरी है हुण कि तुसी साडा साथ दो इस दे विच ते ये कोरोना वायरस की जिहड़ी गति बढ़ रही हैगी इसके रोकथाम वास्ते तुसी साडा सहयोग करो। इस दे नाल ही कुछ एडिशनल जिहड़ी रिस्ट्रिक्शन हैंगी वो पंजाब सरकार वालों लगाई गई हैंगी 18 अगस्त तो ये चालू हो चुकी है। हुण नाइट करफ्यू का समय सारे शहरों के 9 बजे तो लेके सवेरे 5 बजे तक हो चुका हैगा। पहला ये 11 बजे तो सीगा हुण 9 बजे रात तो लेके सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू है। इस करफ्यू के दौरान सारे शहरों के नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के वास्ते मूवमेंट प्रोहिबिटिड होएगा। हाउएवर इस दे विच हालांकि तुसी जेडे एसेंशियल सर्विसेज की जेकर कोई रिलेटिड एक्टिविटी है उसनू परवानगी हैगी कैरी आउट करन दी जेडे ट्रैवलर्स ने बस या ट्रेन दे उन्हानू भी इस दी परमिशन हैगी ते जेडे अनलोडिंग अनलोडिंग दा काम करदे ने कार्गो वास्ते नैशनल हाईवे के उपर उन्हानू परमिशन है। नॉन एसेंशियल आइटम्स की होलसेलिंग स्टॉकिंग ये रात दे विच परमिशन नहीं होएगी। आप सारे तो बेनती है कि काइंडली इन रिस्ट्रिक्शन का पूरा पूरा पालन किया जाए। इस दे नाल ही रेस्टोरेंट्स और बाकी होर जेड़े अपने पिछे पाए गए सीगे शॉपिंग मॉल्स वगैरह का समय यह भी घटाया गया हैगा। इस दे विच हुण सारे रेस्टोरेंट्स होटल और हॉस्पिटैलिटी यूनिट जो पहले
10 बजे तक खुलन की प्रवानगी सी उन्होंने सारे नूं, हुण 8:30 बजे तक हो चुकी हैगी। शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स की प्रवानगी 8 बजे तक है, लेकिन जेडे रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर का सिचुएटेड ने उन्होंने 8:30 बजे तक ही परमिशन होगी। लिकर वेंट्स की परमिशन 8:30 बजे तक कर दी गई हैगी। सारे ही लोगों ये अपील की जाती हैगी कि सैटरडे नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाली दुकानें खुली रहनगियां, लेकिन संडे नू जिहड़ा रिस्ट्रिक्शन है वो लागू रहेगा एंड ये नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाली शॉप्स ते जिहड़े ऐसे अधारे हैं ये बंद रखने लाजमी होंगे। इस करके आप सारियां तो अपील है साडा साथ देइए, मास्क की वरतों करिए ते नाल ही वध तो वध इस करोना दे जंग दे विच साडा साथ दीए। जेकर तुसीं कोई रिकवर्ड पेशेंट हो कोरोना कोविड पॉजिटिव दे तो काइंडली प्लीज साढ़े नाल कॉन्टैक्ट करिए। साड़ी हेल्पलाइन नंबर पे 104 पे भी तुसी दे सकते हो अपनी जानकारी, नहीं तो 22-11-57 पर भी तुसी ये जानकारी दे सकते हो। तो हो सकता है कि तुहाडे डोनेट प्लाज्मा डोनेट करन तो किसी की जान बचाई जा सके। आज के अपडेट में इतना ही, मैं फिर वापस नेक्स्ट वेंसडे 7 बजे आपके साथ रूबरू होंगी तो होर अपडेट शेयर करांगी। थैंक यू, जय।